हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन आ चुके हैं अपने जनरल एंट्री की एंडिंग पे। मैंने सोचा वैसे तो खत्म तो हो जाता है, बट खत्म करते करते चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज कुछ आपको पार्ट करा देते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी एंड नॉट इंक्लूडिंग जीएसटी के। एक जनरल एंट्री का पेटी पैक क्वेश्चन लेके आया। हाँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारी एंट्रीज है, बट देखते हैं हमारे यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 जितनी में एंट्री करवा सके तो उतनी एंट्री में आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, विल टेक द मोस्ट डिफिकल्ट वन। ठीक है, सिंपल भी लेते हैं, डिफिकल्ट भी लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से जनरल एंट्री और क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और सारी चीजें करनी है। गाइज, मेक श्योर ये वीडियो देखने से पहले आप जनरल एंट्री के फॉर्मेट वाली वीडियो को चेकआउट कर लें। उस फॉर्मेट वाली वीडियो मैंने बताया है कि प्रॉपरली जनरल एंट्री को किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, किस तरीके से आपकी नरेशन लिखी जाती है, डेबिट क्रेडिट कहां कब कैसे कैसे अकाउंट प्रॉपर फॉर्म कहां कौन सी लाइन और कहां डेट और सीरियल नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज पहले आप वो वाली वीडियो चेकआउट करो सो दैट यू कम टू नो कि भाई क्या है और कैसे है। चलिए, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जो है आपका बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन। कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अभी 2018 के एडिशन में करा रहा हूं। देखो, अकाउंट में एक बहुत अच्छी बात है, एडिशन डज नॉट डिफाइन द बुक। क्योंकि आप देखो, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लें। ठीक है, 2-3 बुक्स हैं, जैसे टीएस ग्रेवाल हो गई, आपकी डीके गोयल हो गई, और कई सारी बुक्स हैं जिनके बीच में क्या कॉम्पिटिशन सा लगा रखा आप लोगों ने। पहली चीज से थोड़ा सा सुनना। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बुक बहुत अच्छी है, कोई बुक बहुत खराब है, ऑल बुक्स आर गुड। इट जस्ट दैट कि आप कौन से में सेटिस्फाइड होते हो। जनरल एंट्री क्वेश्चन इसमें भी है, जनरल एंट्री क्वेश्चन उसमें भी है। ठीक है, इसमें भी विद विदाउट जीएसटी, उसमें भी विद विदाउट जीएसटी है। ठीक है, बस हाँ, ये होगा राम की जगह श्याम होगा, मोहन की जगह रोहन होगा, इस तरीके कुछ चेंजेस आते हैं। हार्डली बहुत 0.001% कोई चेंज होगा तो होगा, वरना ज्यादा कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी बुक से पढ़ते हो या मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ाता हूं। द थिंग इज दैट टॉपिक मेन है, क्वेश्चन मेन है, एंट्रीज करना मेन है और क्वेश्चन का अटेम्प्टेशन मेन है। तो भाई, ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी और इस चीज को दिमाग में बिठाना। बारहवीं में जब जाओगे ना, तब भी ये लड़ाई होगी आपस में, सर ये वाली ऐसा या वैसा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि भाई दैट इज द थिंग इज दैट बुक इज अ बुक। कोई सी बुक लो, टॉपिक सारे आपके सेम होते हैं, बस हाँ, आपको किससे समझ में आता है बेटर तरीके से, वो आपके लिए सबसे बढ़िया बुक कहलाती है। किसी और के कहने पे या किसी और के बताने पे नहीं ली जाती। हाँ, अगर आप किसी से विश्वास करते हो, हाँ भाई तू बता दे कौन सी सही है, ठीक है, तो वो अगर वो आपको प्रेफर करता है, दैट इज अप टू यू। बट ऐसा मत सोचना कि सर आप ग्रेवाल से करा रहे हो या आप गोयल से करा रहे हो तो हम दूसरी बुक लेंगे तो नुकसान होगा। किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, दे आर बेस्ड अपॉन टॉपिक्स, दे आर नॉट बेस्ड अपॉन राइटर्स। इस चीज का हमेशा याद है। कोई सा भी नहीं, अकाउंट्स क्या, बिजनेस क्या, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी राइटर पे बेस्ड नहीं होता है, आपके टॉपिक्स पे बेस्ड होता है, तो वो सब जगह आपको मिल जाएंगे। चलिए, नेतागिरी बहुत हो गई है, शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन जो है टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 8.55, एडिशन नंबर 2018 है एडिशन। ठीक है, अगर एडिशन ऊपर नीचे कुछ भी है आगे पीछे आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा वो क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक दो पार्ट आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। ठीक है, मैं एक दो पार्ट में आपको जनरल एंट्री विथ फॉर्मेट बता दूंगा, बाकी पार्ट में जनरल एंट्री विदाउट फॉर्मेट अपन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज अपन यहाँ पे कवर अप कर सके। ठीक है, चलिए पहले बेसिक एंट्री से स्टार्ट करते हैं, जो कि सब जगह होती है। क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने से स्टार्ट किया है, 80,000 से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस चालू करा है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक हुआ कैश, एक हुआ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, कैश इज एन एसेट्स। बिजनेस के पास कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। कैश एसेट्स आते हैं तो एसेट्स हो जाता है डेबिट, तो हम क्या लिखेंगे, याद आनी डेट, अगर डेट है तो हाँ 1 जुलाई 2017 है, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट DR2। और क्यों आया कैश, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखा है आपका 80,000, तो मैंने यहां लिख दिया 80,000 यहां और 80,000 क्रेडिट के अंदर। ठीक है, अब यह डेट डालनी है आपको, जैसे सारी 2017 की है तो यहां लिखा 2017 और फिर लिखा 1 जुलाई। अब आपको बार बार 2017 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस 1 जुलाई लिखिए और उसी से आपका काम समझ जाएगा। लास्ट लगाया बीइंग या पास्ट टेंस, जब तो यू बीइंग लगाने से क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाता है कि भाई ठीक है
ठीक है ना, तो जो भी है बिल्कुल सही है, जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। हाँ जी, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहां हम क्या लिखेंगे कि भाई बिजनेस चालू करा कैश से, तो यहां भी लिखेंगे बीइंग या कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस लिख दो, या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लिख दो, या कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस लिख दो। ठीक है, तो ये चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये एक आपका मैंने फॉर्मेट बताया किस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है और आपकी एंट्री खत्म। तो सिर्फ इतनी लाइन आपको बनानी है, न यहां लाइन आएगी, ना यहां लाइन आएगी, ना यहां लाइन आएगी, ना यहां लाइन आएगी, लाइन सिर्फ इतने में ही आएगी। ठीक है, दूसरी चीज, कैश बॉट इनटू कैश पेड इनटू बैंक। देखना यहां समझना है, इसमें कुछ लोग गलती करते हैं। बैंक में पैसा जमा करा दिया तो क्या फर्क पड़ा? एक चीज याद रखो, बैंक में पैसा जमा करा तो बैंक किसी और का नहीं है, बैंक या बैंक का मतलब है आपका खाता। ठीक है, तो बैंक में जब पैसा जमा कराया तो पैसा कंपनी से गया नहीं, कंपनी के पास आया नहीं, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चला गया, जो पैसा जेब में था वो खाते में चला गया, तो जेब का पैसा कम हुआ, तो हमारे पास जो पड़ा था कैश वो कैश कम हो गया, और बढ़ा क्या? बैंक का बैलेंस। कैश भी एसेट्स, बैंक भी एसेट्स, बढ़ क्या रहा है? बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में से डेबिट क्या होगा? बैंक का खाता हो जाएगा डेबिट बैंक अकाउंट .dr2, और पैसे गए कहां से? जेब में से, तो कैश के खाते में अपने पैसे क्या हो गए? कम हो गए, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे हैं भाई? 50,000 रुपए। ठीक है, और यहां एंट्री करी बीइंग, और यही ट्रांजेक्शन लिख दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिख दो, या शॉर्ट में आपको बस ट्रांजेक्शन लिखना है ताकि ये देख के समझा जा सके कि यहाँ क्या हो रहा है। कभी कभी जनरल एंट्री के अकाउंट इन्वॉल्वमेंट आपको समझा नहीं पाते कि भैया एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो उसके लिए नरेशन होती है कि नरेशन आपको बता दे कि भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब तीसरी एंट्री से आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो भाई उसकी वीडियो पहले चेकआउट कीजिए। बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ऑफ कैश फॉर कैश। कैश में स्टेशनरी खरीदी, कैश में स्टेशनरी खरीदी 300 रुपए की, और 6% उसमें सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी का टैक्स लग गया। ठीक है, तो दो मेन अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश इन्वॉल्व है और एक स्टेशनरी इन्वॉल्व है। स्टेशनरी इज ऑल्सो एन एसेट, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। कैश गया बिजनेस से गया तो कैश तो हो गया कम, तो हो गया क्रेडिट। आया क्या? स्टेशनरी, स्टेशनरी भरी है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना इसको, पूरा लिखना आपको, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितने की स्टेशनरी ली थी? 300 रुपए की। अब देखो कैश कितना गया? टू कैश, कैश तो 300 रुपए नहीं गया ना, कैश तो आपका इस 300 पे 6% सीजीएसटी और 300 पे 6% एसजीएसटी भी लगा, तो हमने क्या करा? यहां हमने लिखा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट कौन सा पुट? इनपुट एसजीएसटी, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, बताया था आप लोगों को ये हमने डेबिट क्यों होते हैं पिछली वीडियो में। ठीक है ना, 300 का 6% कितना हुआ? 300 का 1% हुआ 3 रुपए, और 1 × 6 हो गया 18 रुपए। गाइस कैलकुलेशन बता रखा है मैंने पहले भी किस तरीके से, 18 × 36, तो आपने कैश दिया 3,336, एक मिनट, 18 × 36 तो 336, 336 रुपए आपने पेमेंट करी है। यहां आपको लिखना है बीइंग स्टेशनरी परचेज एंड फॉर कैश एंड टैक्स पेड एट द रेट 6% ईच। ठीक है, तो सीजीएसटी ना एसजीएसटी, समझ में आया किस तरीके से करना है? दो चार एंट्री और देखें, अब फॉर्मेट वाला काम हो गया, मैं फॉर्मेट में नहीं कराऊंगा, बेसिक आपको सिर्फ जनरल एंट्री कराने का काम करता है। तो फर्स्टली वी रब आउट द फॉर्मेट, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को नॉर्मल जनरल एंट्री 7-8 तक अपन कर ले, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। चलिए, हाँ तारीख डालना मत भूलना, समझ में। बॉट गुड्स ऑफ 21,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% फॉर कैश। ठीक है, गुड्स खरीदे हैं 21,000 के और उसपे 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है। गुड्स खरीदे तो क्या लिखा? परचेज, परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, तो यहां लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, परचेज गया 21,000 का, कैश में तो 21,000 नहीं दिए, टैक्स भरा है तो कौन सा टैक्स है? इनपुट नॉट आउटपुट।
इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। कितना परसेंट? 6%। 21,000 का पहले निकालो 1%, यानी 210, 210 इंटू 6, 1260। तो 1260 सीजीएसटी लगा, 1260 एसजीएसटी लगा, 6% ही ना भाई? हाँ जी भाई, बिल्कुल 6% ही है, ठीक है। और कितना हो गया ये? 1200, 1200, 1400, 1520। तो ये हो गया 1520, तो 22,520 रुपए, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, गड़बड़ हो तो संभाल लेना। समझ में आ गया? नहीं रे, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ बता दिया करो, 2,2520। हाँ तो 23 होगा, 23,520, ठीक है ना। हाँ जी, अगली एंट्री देखते हैं। अगली क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 7,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सोल्ड गुड फॉर 7,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच फॉर कैश। सामान बेचा 7,500 का और उस पे कैश में बेचा है, तो कैश तो आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, इसको बेचा कैश में, बेचा है तो कैश को हो गया, और आपने क्या करा है? बेचा है तो आ गया, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स, और टैक्स लिया है तो वो कौन सा कहलाता है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट फिलअप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। कौन था भाई? 7,500 इसमें, 7,500 का 6%, 7,500 का 6% सब जुड़ के कैश में। अगला देखो, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपए प्लस 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी ईच फॉर बैनर्जी ब्रदर्स। बैनर्जी ब्रदर्स से फर्नीचर खरीदा, तो देखो पहली चीज तो कैश तो है नहीं, उधारी का ट्रांजेक्शन है। क्यों? कैश नहीं लिखा और नाम आ गया। नाम भी नहीं लिखा होता तो कैश हो जाता, पर कैश नहीं लिखा और नाम आ गया, तो ये हो गया उधार का ट्रांजेक्शन, फर्नीचर खरीदा है। तो यहां एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू, किससे खरीदा? कैश नहीं है, बैनर्जी, बैनर्जी से खरीदा है। स्पेलिंग देखना, बेनी जी हो गया है तो। बैनर्जी की स्पेलिंग क्या भाई? हाँ भाई, को बैनर्जी तो नहीं बुरा मत मानना। हाँ जी, कितना हो गया? 5,000, उसके बाद 6%, 5,000 का 1% हुआ, ये 6% हुआ 300, 300 और 300, तो 5,600 यहाँ आपके आगे, ठीक है। इसके बाद वाला नहीं कर रहा हूँ, एक लास्ट आपका, नहीं चलो बाद वाला कर लेते हैं, क्योंकि बैनर्जी की पेमेंट अभी दिख नहीं रही है। तो चलो अगला देखो, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 प्लस सीजीएसटी ना एसजीएसटी 6% ईच टू महिंद्रा। महिंद्रा को बेचे हैं, तो यहाँ आ जाएगा महिंद्रा, यहाँ आ जाएगा भाई आपके सोल्ड गुड्स कह रहे हैं ना, तो बेचे हैं, हटो भाई हटो, बेचा है पूरी एंट्री चेंज। हाँ, बेचा है सामान, तो टू तो आ गया सेल्स में, टू आउटपुट सीजीएसटी लिया और आउटपुट एसजीएसटी लिया 6%, और यहां कैश नहीं लिखा है, किसका नाम लिखा है? महेंद्र का, ठीक है ना। सेल करी है आपने 10,000 की, कौन सी तारीख की एंट्री है? 11 जुलाई की, देख लेना। हाँ 10,000 और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 6%, 10,000 का 600 रुपए और ये 11,200 रुपए यहाँ पे आ गए। लास्ट एंट्री देखिए, लास्ट एंट्री कराएंगे 12 जुलाई तक, बाकी सब सेम है। हाँ जी, कहाँ गया? रिसीव चेक फ्रॉम महिंदर फॉर द अमाउंट ड्यू। महिंदर से जितना भी अमाउंट ड्यू था उसका महिंदर ने चेक दे दिया। मैंने पहले भी बताया है, जब भी चेक आता है या जाता है आप बैंक के नाम से लिखेंगे, क्योंकि आपके बैंक के खाते में से पैसे कट रहे हैं। तो भाई पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, क्योंकि महेंद्र ने आपको दिया है। डिस्काउंट की बात नहीं की इसलिए 11,200। अगर अपन ने उसको डिस्काउंट दिया होता तो अपन यहां बैंक में कम लिख देते और जितना डिस्काउंट है वो लेते, 200 का डिस्काउंट दिया तो यहां आ जाता डिस्काउंट अलाउड 200 और ये 11,000। डिपेंड्स कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है, यहाँ किसी भी तरीके कोई डिस्काउंट महेंद्र को नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे नहीं आया। यानी जनरल एंट्री बहुत ज्यादा आसान होती है, आपको बस समझना है कि क्या हो रहा है। ध्यान रखें एसेट्स का बैलेंस, अगर एसेट्स बढ़ रहे तो हमेशा डेबिट होंगे, खरीदे जा रहे तो डेबिट होंगे, बेचे जा रहे तो क्रेडिट हो जाते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, ठीक है। ये कुछ चीजें, एक्सपेंसेस हैं हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम है हमेशा क्रेडिट होती है,
ठीक है, स्पेशल केसेस एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या रह गया, कैपिटल अकाउंट, आपको पता है अगर पैसा लगाया है तो क्रेडिट हो जाएगा, एस लाइबिलिटी की तरह उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको जनरल एंट्री के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ जनरल एंट्री। कल से अपन स्टार्ट करेंगे लेजर को, लेजर ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से की जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे उनकी लेजर पोस्टिंग आपको बताऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लेजर पोस्टिंग प्रॉपरली करना नहीं आता एंड वो कभी इस चीज को एडमिट नहीं करते हैं कि मुझे नहीं आता। एडमिट कीजिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, फायदे में रहोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स एट डू लाइक कमेंट शेयर एंड